विकास परियोजनाओं की प्रगति हो या फिर कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें। विकास के जो भी कार्य चल रहे हैं उन्हें पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त रखें। उन कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता भी सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार कानून व्यवस्था में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फरियादी को समय पर न्याय मिले और किसी के लिए संशय की गुंजाइश ना रह जाए। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को यह दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर कमिश्नरी सभागार में मंडल स्तरीय बैठक कर कानून व्यवस्था एवं विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की समयबद्धता पर 2 टूक समझाते हुए कहा कि यदि कार्य समय पर पूर्ण होंगे तो एस्टीमेट रिवाइज करने की नौबत नहीं आएगी। काम समय पर हो, पारदर्शी तरीके से हो और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए प्रत्येक परियोजना में एक नोडल अधिकारी अवश्य नामित किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी तरह की शिकायत या लापरवाही की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले के विकास कार्यक्रमों की प्रगति तथा पुलिस के अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। थानों पर आने वाले लोगों के लिए पेयजल, बैठने आदि की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही उनकी शिकायतों की सुनवाई संवेदनशीलता के साथ हो। थानों पर अनावश्यक पड़े सामानों का नियमानुसार निस्तारण किया जाए। पुलिस पेट्रोलिंग को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाए। सप्ताह में एक दिन शहीद स्थलों, पर्यटन स्थलों पर पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति की धुन बजाई जाए। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ बचाव से संबंधित सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। जनता को किसी भी प्रकार के नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए बरसात से पहले ही संवेदनशील बंधों की मरम्मत भी अवश्य करा लें। उन्होंने अफसरों को यह भी चेताया कि बरसात में महानगर में जलजमाव की स्थिति नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए समय से पहले नालों की तल्ली, झाड़, सफाई व अन्य जरूरी कार्य पूरा कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों से बेहतर संवाद स्थापित करते हुए माह में कम से कम एक बार उनके साथ बैठक करें। यह भी सुनिश्चित हो कि जनप्रतिनिधियों के फोन प्रॉपर अटेंड हो तथा उनका प्रॉपर रिस्पांस हो। सीएम योगी ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना हम सभी का दायित्व है। जनता के प्रति संवेदनशील होकर अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करें और दूरभाष के माध्यम से प्रकरण निस्तारण की जानकारी भी आवेदक से पूछें। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर जन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। न्याय पाने का अधिकार सभी का है। सीएम योगी ने कहा कि अंतर विभागीय समन्वय में बड़ी ताकत होती है। इसी ताकत का परिणाम है कि हम इंसेफेलाइटिस की समस्या को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के कार्यक्रमों में भी अंतर विभागीय समन्वय की ताकत दिखानी होगी। इसके लिए साप्ताहिक कार्यक्रम बनाए और संयुक्त चौपाल लगाकर महिलाओं से जुड़े मामलों का निस्तारण करें। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी व उसके मातहत कर्मचारी समय से कार्यालयों में उपस्थित होकर जन समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का एक रजिस्टर भी बनाया जाए तथा उसमें निस्तारण की स्थिति अंकित की जाए। इसके साथ ही अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की भी जनपदवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्कूलों में नामांकित बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, बैग, पाठन सामग्री हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान सीएम योगी ने शिक्षा विभाग में चलाए जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प पर भी चर्चा की। उन्होंने कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों के सौंदर्यकरण पर विशेष जोर दिया ताकि विद्यालयों में कुछ नयापन दिखे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल से तमाम बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि जनपद में नगर निगम व ग्राम पंचायतों से 75-75 तालाबों का निर्माण कराया जाए। अमृत महोत्सव के तहत इन तालाबों को अमृत सरोवर का नाम दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम स्मार्ट विलेज की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके लिए गांव का चयन किया जाए और वहां आवश्यक सुविधाओं का विकास कर स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों के आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर सोनौली नौसर पैडलेगंज गोरखपुर वाराणसी मार्गों के निर्माण कार्य का हाल भी जाना। यह निर्देशित किया कि कार्यदायी संस्थाएं तेजी से कार्य पूरा करें। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर मंडल में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इसे बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि व अधिकारी मिलकर इस दिशा में काफी बेहतर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु एक खाद का गड्ढा बनाया जाए। खाद गड्ढा होने से कचरे का निस्तारण तो होगा ही, खेतों के लिए कंपोस्ट खाद भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान, हर ग्राम पंचायत में सचिवालय की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण, स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवस्थापन, मुसहर वनटांगिया बस्तियों में सुविधाओं के विकास, ड्रेनेज, अंडरग्राउंड केबल आदि बिंदुओं की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक गढ़ फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, एडीजी अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह एवं कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने कहा, सर 10 करोड़ से ऊपर की 33 परियोजनाएं जनपद गोरखपुर की चल रही है सर, उसमें सर दूसरा प्रश्न सर 11 सहायक संस्थाओं से 33 परियोजनाएं 1992 करोड़ रुपए की चल रही है सर, जिसकी प्रगति आगे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सर। सर इसमें कुल मिलेगी सर पेज नंबर 4 पे सर, और इसमें अगले 100 दिन में सर 228 परियोजनाएं 2022 करोड़ की पूर्ण होकर लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएंगी सर। ये गीडा से भी 50 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी सर, तो प्राधिकरण से करीब 600 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण होकर अगले 100 दिन में लोकार्पित होंगी सर। और नगर
दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी के विकास कार्यों पर चर्चा थी। मंडल के जो भी हमारे जनपद हैं उन पर चर्चा हुई, जो पिछले गवर्नमेंट में कार्य हुए उस पर चर्चा हुई, आगे जो कार्य होने हैं, जो कार्य अभी लंबित हैं या जो कार्य अभी बाकी हैं, उन्हीं विकास कार्यों पर चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा। अब देखिए, योजनावार जब बैठक होती है, सड़कों का होता है, ताल पोखरा गांव की बात है, तमाम चर्चाएं जो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, उन सभी विभागों की चर्चा हुई और बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हुई। ऐसा कोई नहीं, उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि काम अच्छा है और अच्छा काम करें। पूरे गोरखपुर मंडल का आज चारों जिले का प्रेजेंटेशन था, इसमें जो 50 करोड़ के ऊपर की काम है और जो 10 करोड़ के ऊपर की काम है, सभी कामों की पूरा एक प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है कि उसमें जो भी निर्देश जहां जहां कमी है उनको भी हमने बता दिया गया है, और जहां पे लैंड एक्विजिशन को लेकर के या पेड़ काटने को लेकर के कोई भी इश्यू है उसको भी उनके संज्ञान में रखा गया है, और जो रिवाइज एस्टिमेट जो शासन लेवल पे गया है उसको लेकर के उन्होंने नाराज़गी व्यक्त किया है कि रिवाइज एस्टिमेट क्यों बार बार बनते रहता है, क्योंकि जो काम जितने टाइम में ख़त्म होना है उसको ना ख़त्म करते हुए बार बार आप रिवाइज एस्टिमेट बना बना करके भेजा जाता है, इसको रोका जाए और आने वाले दिन में जितने भी काम होना है उसको बारिश के पहले ही ख़त्म किया जाए, और जो अर्थ वर्क है उसको बारिश के पहले ख़त्म कर दिया जाए, और बारिश के पीरियड में भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको तेज़ी से किया जाए, और अगले 100 डेज में जो काम हम लोगों को मतलब करना है उसके बारे में भी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में रखा गया है। तो उसके साथ साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अभी तक का कार्रवाई हुआ है और मिशन शक्ति के तरफ जी और महिलाओं का सुरक्षा को लेकर के जो भी कार्य होना है उसके बारे में भी व्यापक चर्चा हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी बीच में जो भी दिशा निर्देश दिया है वो सब हम लोगों ने नोट किया है। एक समन्वय जो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में बनना चाहिए उसके लेकर के भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, हम लोगों ने उसको सब नोट किया गया है। सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि उनके दिशा निर्देश में जो भी अच्छे काम होगा हम लोग करेंगे। नहीं पूरे क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से चर्चा हुई है और एक एक काम को लेकर के चर्चा हुई है, तो इस वजह से वो 3.5 घंटे के ऊपर चला है, और क्योंकि चारों जिले में बहुत ज़्यादा काम हो रही है सो एक एक काम के बारे में जब व्यापक चर्चा होगी इतना टाइम तो लगेगी। नहीं वो नाराज़गी केवल जो काम की तेज़ी को लेकर के हुआ है कि तेज़ी में जितना जो लेबर्स को लगना है उतना लेबर नहीं लगे हुए हैं, और जो ठेकेदार और जो विभाग के द्वारा जो लापरवाही किया जा रहा है जहाँ पे कम लोगों को लगा करके कि काम को स्लो हुआ है उसको लेकर के नाराज़गी व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि पूरा जल्द से जल्द वो काम सो दैट अर्थवर्क, क्योंकि 2 महीने के बाद बारिश के सीज़न शुरू हो जाएगा, उसके पहले अर्थवर्क नहीं कम्प्लीट होगा तो फिर काम अननेसेसरली डिले हो जाएगा, फिर उसका रिवाइज एस्टिमेट बन बन करके बार बार जाता है, इससे जनता को भी परेशानी होता है और उसके साथ आर्थिक चीज़ों में भी फर्क पड़ता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसको तत्काल में तेज़ी से किया जाए और किसी भी हालत में आगे की चीज़ों में रिवाइज एस्टिमेट ना बनाया जाए।